करेंगे जहां पे अपने कल छोड़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स। क्या होता है एल एन सेक एक्स, कॉट का साइन होता है एल एन साइन एक्स। सेक एक्स और कोसेक एक्स का सेम दिखता है, मतलब थोड़ा सा सेम सेम होता है। जैसे सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस टैन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। तो हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए जो इनसे रिलेटेड है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, आज अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करेंगे और काफी हद तक उसको खत्म भी कर देंगे, है ना। काफी डिफिकल्ट है वो, सबसे डिफिकल्ट पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, साइन टू एक्स लिखा हुआ है ना, तो क्या आप लोग सोच पा रहे क्या करना चाहिए इसमें। साइन टू एक्स को लिखना चाहिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ये एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है बच्चों, टैन। तो इंटीग्रेशन ऑफ टू टैन एक्स, अच्छा कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी। आसान क्वेश्चन था काफी, इसी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन देखिएगा, लिख लो आप, बगल में आपके है ना। मैं अगल बगल ही लिखूंगा आज, ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना जाए। साइन टू एक्स, ये देखिए ये वाला इंटीग्रेशन देखो एक बार, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है अगला वाला, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स, है ना। इस चीज को अपन समझते हैं, ये थोड़ी सी कटपटी चीज है। क्या लिखा है, डी एक्स की जगह डी टैन एक्स लिखा हुआ है, समझ में आ रहे, डी एक्स की जगह डी टैन एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डी टैन एक्स का मतलब क्या होता है ना। आपको इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो जैसे यहां लिखा है साइन टू एक्स, ये लिखा है डी टैन एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ टैन एक्स। डिफरेंशियल ऑफ टैन एक्स मतलब क्या हो जाएगा, टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स डी एक्स। जैसे कि अपन करते थे ना हमेशा, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन रखते हैं तो हम क्या करते थे, उसका डिफरेंशियल लिखने के लिए ऐसा कुछ करते थे, पहले डेरिवेटिव और फिर जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन जो है एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, एकदम वैसे ही हो गया जो अपन ने किया था, है ना, सेम एज प्रीवियस। लिख लेना आपको, अगला देखेंगे अपन, जो मैं आपको कल बोल रहा था जीएन बर्मन करते वक्त कि अपन ये क्वेश्चन करेंगे, टैन एक्स इंटू टैन टू एक्स इंटू टैन 3x dx। इस पे स्टार मार्क लगा लो, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप स्लाइटली ध्यान रख सकते हो कि हाँ, जब भी तीन बार टेंजेंट मिलेगा आपको, तीन बार टेंजेंट मिलेगा तो आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले तो अपने को पता होता है कि tan 3x जो होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, दो एंगल्स का सम, tan 2x प्लस एक्स, समझ में आ रहा है ना। ये 3x को अपन ने 2x प्लस एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से, tan 3x इंटू 1 माइनस, तो tan 3x इंटू 1 माइनस ये, तो tan 3x इंटू 1 करेंगे tan 3x आएगा माइनस, फिर आएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस क्या है, tan 2x प्लस tan x, ओके। यहां से अपने को एक बहुत प्यारा रिजल्ट मिलता है कि इस चीज को आरएचएस भेज दोगे तो क्या दिखेगा, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, दिस इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, समझ में आया क्या।
ये वाला रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। क्या जब भी तीन बार आपको tan मल्टीप्लाइड दिखे, tan ऑफ लफड़ा प्लस tan ऑफ मसाला, सॉरी इनटू tan ऑफ मसाला इनटू tan ऑफ नलायक, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, tan लफड़ा माइनस tan मसाला इनटू tan नलायक। ऐसा करने से क्या फायदा हो गया, ऐसा करने से अपना एक फायदा हो गया है। देखो इंटीग्रेशन के अंदर क्या दिया था, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इसके बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तीनों के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं tan 3x का इंटीग्रेशन, माइनस आएगा उसको अलग से सेपरेट कर दिया ना अपने, tan 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, तो tan 3x का क्या हो जाएगा, ln sec 3x by 3 माइनस ln sec 2x by 2 माइनस ln sec x सिंपली प्लस c, खत्म हो गया। आसान था क्वेश्चन, बस आपको वो पर्टिकुलर एक स्टेप पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कुछ चीजें याद रख लेनी चाहिए कि जब भी तीन tan मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा फिर उससे छोटा, है ना, उसको ऐसे लिख सकते हो। इसको आप मार्क कर लो, मैं येलो से इसको मार्क कर देता हूँ, इसको आप एज ए टिप भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अत्यंत सरल क्वेश्चन हो गया ये, कैसे सर, पहले ऊपर वाला लिखना कंप्लीट कर लो फिर देखते हैं। आपको मैंने सिखाया ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स और रूट टू टाइम्स, ठीक है, ये लिख सकते हो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, कॉस के टर्म में लिखना है तो कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स और रूट टू टाइम्स, देख रहे ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और साइन में, और कॉस में उल्टा आ जाता है, तो जो आपको सही लगे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय रूट टू बाहर रहेगा, मैं एक तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ। 1 बाय साइन लफड़ा क्या होता है, कोजेक लफड़ा, तो यहाँ पे लिखा है कोजेक ऑफ लफड़ा, लफड़ा क्या है, एक लीनियर, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है। अच्छा कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, था ln ऑफ कोजेक एक्स, एक्स की जगह क्या गया पाई बाय फोर एक्स प्लस एक्स माइनस कॉट एक्स, कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता था प्लस सी, ठीक है। यहां से भी आप करोगे अगर तो सेम आंसर आएगा, बट sec में आ जाए, sec की जगह वो cosec, सॉरी cosec की जगह sec आ जाएगा, तो sec x माइनस tan x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे x प्लस पाई बाय फोर होगा, पाई बाय फोर प्लस x, लिखो। अब सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में देता हूं, ये वाला आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो ये वाला आ जाएगा। मैंने जिन जिन बच्चों के नाम लिखे थे वो सारे लोग मुझे ईमेल में होमवर्क सेंड करें, वरना मैं पर्सनली कॉल करूंगा आज। ओके चलिए देखो, ये क्या लिखा है अपने सामने, रूट थ्री साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स। आगे देखना है आपको, एक मिनट तक एकदम नजरें स्क्रीन पर रहनी चाहिए आपकी। क्या लिखा, रूट थ्री, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, वन। अच्छा, क्या करना चाहिए बताइए, टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते। क्यों क्यों टू से ही क्यों करा सर आपने, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं, बनेगा रूट थ्री साइन एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स। क्या फायदा हो गया, फायदा ये हुआ कि रूट थ्री बाई टू को अपन कुछ बोल सकते हैं, है ना, वी कैन कॉल इट समथिंग। क्या बोल देंगे बताइए, बोल दो कुछ भी आप इसको ना, कॉस ऑफ 60 डिग्री होता है, कॉस ऑफ 30 डिग्री, सॉरी कॉस ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन एक्स। अब ये कॉस 30 बोला था, इसको साइन 30 बोल देना प्लीज, थोड़ा अलग अलग करना होता है ना, इसको अपन साइन 30 बोल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू टाइम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये लिखा है टू टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय फोर, सॉरी पाई बाय सिक्स प्लस एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डीएक्स अपॉन, इस पूरे आइटम को क्या लिख देंगे, ये। तो इसका टू तो बाहर आ जाएगा, और लिखा अपने सामने साइन लफड़ा, तो कितना हो जाएगा, कोसेक लफड़ा। कोसेक लफड़ा का इंटीग्रेशन क्या होता है, एलएन ऑफ कोसेक लफड़ा माइनस कॉट लफड़ा। मॉड लगा लो प्लस सी। मैं पहले बोल चुका हूं आपको फास्ट लिखना है आज, ना लिखते रहो लिखते रहो। नहीं लिखा ऊपर वाला, चलो पहले वो लिख लो, कर लेंगे अपन ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या लिखा, अंडर रूट के अंदर कुछ कुछ लिखा है, खोल देते उसको ना, खोलेंगे नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स और 2 टैन सेक एक्स, 2 टैन सेक एक्स, परफेक्ट स्क्वायर बनता दिख रहा है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस, अरे यार नहीं, थोड़ा और थांबा करना पड़ेगा अपने को, नेक्स्ट स्टेप में बना देंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखा, 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, टैन स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर, है ना, टैन स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टैन सेक एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टैन सेक एक्स, हो गया खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो नहीं देख रहा उसको नहीं समझ में आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये रहेगा a प्लस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, होल स्क्वायर का अंडर रूट आया है, तो खत्म हो जाएगा आपका पूरा टर्म इनटू dx। अच्छा मॉड आना चाहिए था, ऑब्वियसली मॉड आना चाहिए था, इसको सेपरेट कर लेंगे। पर मॉड क्यों नहीं लगाया मैंने, मॉड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है ना कि मॉड खोलूंगा कैसे,
खोलने के लिए आपको x के बारे में पता होना चाहिए, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग ऐसे ही काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x माइनस tan x, sec x प्लस tan x सॉरी, और tan x का होता है ln ऑफ sec x प्लस c। कंबाइन करना है तो ln m प्लस ln n क्या होता है, ln ऑफ m प्लस n। तो sec x इंटू sec x प्लस tan x, लिख लीजिए इसको। थोड़ा फास्ट लिखेंगे ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग ट्राई करें, मैं बैठूंगा चुपचाप। टेन एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वन, दिस इज सिमिलर टू प्रीवियस से प्रीवियस वाला क्वेश्चन। जब तीन टेन मल्टीप्लाइड होते हैं तो क्या करना चाहिए? और तीनों टेन में भी वैसा रिलेशन होना चाहिए ना, कैसा वाला, कि दो का सम तीसरे के बराबर हो। बच्चों इधर एक बार देखो ध्यान से, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसमें अपन ने दिमाग की बत्ती जलाई थी, तीन टैन मल्टीप्लाइड टैन थ्री एक्स टैन टू एक्स टैन एक्स, ये जो एंगल्स है ना, ये ऐसे वैसे एंगल नहीं है, कोई दो का सम तीसरे के बराबर है। जैसे टू एक्स और एक्स का सम जो है वो थ्री एक्स के बराबर है ना, कोई दो का सम तीसरे के बराबर है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तब आप क्या लिख सकते हो, सबसे बड़ा माइनस फिर छोटा फिर छोटा, ऐसा लिख सकते हो, लेकिन कोई दो कसम तीसरे के बराबर होना चाहिए। अच्छा यहां पर देखेंगे तो अपने पास दो ही टैन दे रखे, बहुत अच्छे से देखो प्लीज, कितने टैन दे रखे, दो। तो सबसे पहला टैन क्या है, टैन एक्स, दूसरा टैन क्या है, टैन ऑफ एक्स प्लस वन। तो यार मैं क्या सोच रहा हूं ना, कि जबरदस्ती यहां पर एक टैन इंट्रोड्यूस कर देता हूं, टैन ऑफ वन डिग्री, वन रेडियन। अब ये टैन वन क्या होगा, कुछ नंबर होगा, कुछ भी नंबर होगा, उपटांग सा कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो वन अपॉन टेन वन। देखो यहां पर क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो है थोड़े से फड़फड़ा जाते हैं कि सर टेन वन से डिवाइड क्यों बाहर किया, अरे वो तो कांस्टेंट को बाहर ले जाता ही मैं, चलो अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, उससे फायदा क्या हुआ हमारा, कि वन अपॉन टेन वन तो चलो बाहर लिख दिया, अंदर देखो क्या बचा। देखो देखो टेन वन इंटू टेन एक्स, और ये एंगल क्या है, वन और एक्स, इन दोनों का सम थर्ड वाला एंगल है, चेक कर लो, इन दोनों का सम अब थर्ड वाला एंगल हो गया। यही तो मैंने सिखाया था आपको, कि कोई भी दो का सम थर्ड वाला हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप क्या लिख सकते हो, तीनों का प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, टेन ऑफ एक्स प्लस वन तीनों का प्रोडक्ट इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ वन, ये क्या हो जाएगा, तीनों का म्यूचुअल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, tan of x plus 1 माइनस दूसरा वाला कौन है, tan of x, तीसरा वाला कौन है, tan of 1, ये हो गया। तो यार वो तो टिप से नहीं बनेगा ना, बनेगा क्या, टिप से बनेगा ना, तीन टैन होने चाहिए, एक मैंने जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर दिया, इस तरह से इंट्रोड्यूस करा, देखो कैसे, यहां पे अगर x प्लस टू होता तो मैं क्या टैन टू को इंट्रोड्यूस करता, क्यों, ताकि एक एंगल आपका टू आ जाए, एक एंगल x आ जाए, और दोनों का सम यहां पे x प्लस टू आ जाए। भावनाओं को समझ रहे हो आप लोग? हाँ, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि आपको इसको बनाना है, किन्हीं दो का सम, कोई भी दो का सम बनाना है थर्ड वाले को, बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा, 1 by tan 1 है, this can be written as integration of tan of x plus 1 dx minus integration of tan of x dx minus integration of tan of 1 dx। अभी आप कर लोगे है ना, आप बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं लिख देता हूं फिर भी इंसानियत के नाते,
एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा, एलेन सेक एक्स प्लस वन, मॉड लगा लो चाहे तो, माइनस एलेन सेक एक्स माइनस ये टैन वन तो बाहर आ जाएगा और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू टैन वन या टैन वन इंटू एक्स, ठीक है, दिस दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। अथर्व नॉट एबल टू अटेंड द लेक्चर, क्यों भाई कब करेगा फिर अटेंड, अटेंड कर लिया करो यार, है ना, आप मिस करते हो वो मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, बट है ना रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगी तो आप उसको देख लिया करो, है ना, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब दो जगह अपलोड कर दिया, आप जहां मानो वहां देख लो, दोनों वो बैकअप ही है बस। हाँ भाई क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, सर आपने एक क्वेश्चन जेन बर्मन में करवाया था याद करो, देखो ना ये क्या है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, दोनों का डिफरेंस निकालो कोपचे में, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी क्या रहा है, बी माइनस ए, ओके बी माइनस ए या ए माइनस बी जो भी आपको पहले लिखना हो, और ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए साइन के नीचे दो एंगल दे रखे हो, दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा हो और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, ए माइनस बी क्या रहा है, ए माइनस बी, तो मैंने क्या करा, चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, ए माइनस बी से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि अभी मैं ए माइनस बी को स्टाइलिश तरीके से कुछ ना कुछ लिखूंगा, आई एम वेरी सॉरी, ए माइनस बी नहीं साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी एक कॉन्स्टेंट आएगा ना भाई, ए और बी कॉन्स्टेंट है तो साइन ऑफ ए माइनस बी भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, मैं कोई भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया क्यों अपन ने, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको हम लोग देखो, पहले तो ये वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, चेक करो, थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और नीचे एज इट इज। तो सर आपने क्या सिखा दिया आज, आपने ये सिखा दिया कि नीचे अगर आपको दिख जाए साइन ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ समथिंग, तो वो जो दोनों एंगल है दोनों एंगल का डिफरेंस देख लो, अगर कांस्टेंट आता है, हमेशा आएगा ही आएगा, अगर कांस्टेंट आता है तो उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर आप ओपन कर सकते हो, बाहर क्या है वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, ऊपर आप ओपन कर सकते हो, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, तो साइन ए cos b माइनस, दूरी कर दी ना पहले से अलग कर दिया, cos a sin b, हाँ डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, डोंट वरी डिनोमिनेटर भी आएगा कुछ ना कुछ, वो लिख देंगे अपन, तो ये आ गया sin of x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस b, अरे एक्सपैंड करा बीच में माइनस आता फिर अलग अलग अपन इंटीग्रेशन करते, पहले कर दिया, एक कदम आगे तो रहनी पड़ेगा ना,
ठीक है। अच्छा ये पूरा ब्रैकेट है बाहर, ये एक्स माइनस बी कट जाएगा, एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या होता है कॉट एक्स, अब यहां पे एक्स नहीं है, एक्स माइनस ए है, कोई बात नहीं, माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, फिर से कॉट ऑफ एक्स माइनस बी हो जाएगा। सर कॉट का इंटीग्रेशन याद नहीं है हमको, क्या करें, याद कर लो ना, क्या होता है एल एन ऑफ साइन एक्स, और यहां पे भी हो जाएगा एल एन ऑफ साइन एक्स, मतलब एक्स माइनस बी, और एल एन के अंदर जो भी आइटम है उसमें मॉड लगा देते हैं अपन, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, लिख लो इसको, ये लिखा साइन ऑफ ए माइनस बी, और यहां पे आ जाएगा इंटू एल एन ऑफ पहला वाला टर्म अपॉन दूसरा वाला टर्म, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। लिखो लिखो आराम से लिखो, इसके बाद हम लोग तुरंत चालू करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक और क्वेश्चन है बस। लिखो साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, एक और चीज ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने आराम से, सबने लिख लिया, क्या लिखा है साइन ऑफ एक्स माइनस ए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना है ना, ये वाला क्वेश्चन और इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के, दोनों की दोनों, जे की तो बात ही छोड़ दो, बोर्ड में ही बहुत फेमस है दोनों क्वेश्चन ये, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, अब आपको कल को एक कॉस बना के दे देगा, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझ रहे हो, कॉस बना के दे देगा, या एक साइन एक कॉस बना के दे देगा, व्हाटएवर, कोई भी केस में आपको करना क्या है, ये दोनों एंगल्स का डिफरेंस देखना है, अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसके साइन से या कॉस से जो आपको सुटेबल लगे उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर जो कंपाउंड एंगल है, कंपाउंड एंगल मतलब क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का, वो कंपाउंड एंगल नीचे दे रखा है, ऊपर दे रखा तो मजा आ जाता है, अगर ऊपर देता तो अपन तुरंत एक्सपेंड करते और आंसर निकाल लेते, बट नीचे दे रखा है तो नीचे वाले को अगर ऊपर पहुंचाना है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर कंपाउंड एंगल डिनोमिनेटर में दे रखा हो तो आपको उस कंपाउंड एंगल को कुछ मान लेना चाहिए, टी मान लो, एक्स माइनस ए को टी मान लो, कंपाउंड एंगल मतलब नीचे वाला एंगल जो है इसको टी मान लिया, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी, कुछ खास चेंज नहीं आया, लेकिन यहां से एक चीज पता चल गई कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टी, वो अपन इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे, इधर क्या लिखा है साइन ऑफ एक्स ना, तो साइन ऑफ एक्स की जगह मैं डाल दूंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हैंग हो गया, ठीक है रुको, है ना, आप करो यहां से, ये क्रैश हो सकता है, ओके तो ऊपर साइन ऑफ एक्स, एक्स क्या है ए प्लस टी, तो अब देखो ऊपर पहुंचा दिया मैंने कंपाउंड एंगल को और नीचे सिंगल एंगल आ गया अपने पास साइन ऑफ टी, और डीएक्स की जगह डीटी डाल दिया, डीएक्स इज इक्वल टू डीटी,
ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खोल दो इसको आप, है ना। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी, ठीक है। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देता हूँ मैं, डी टी, और यहाँ डी टी लिखना भूल गया हूँ, डी टी। भावनाओं को समझ जाओ अपने। देखो ये साइन ए, बच्चों काम की चीज जो है वो देखो इधर, ये साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अंदर क्या बचा, कॉट ऑफ टी डी टी प्लस ये वाला कॉस है जो है वो भी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ डी टी बचा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉट टी, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल एन साइन ऑफ टी प्लस डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी। ये आपका फाइनल आंसर है, लिख रहा हूं मैं कांस्टेंट रूप, जा वो आपको फील कराना जरूरी है कि वो कांस्टेंट ही है। लिखिए यहां तक, तो नीचे कंपाउंड एंगल आ जाएगा, तो कर लोगे इसके बाद। चार क्वेश्चन आपके होमवर्क में है ना, ये लास्ट पेज है इस वाले लेक्चर का, फिर मैं बाय पार्ट चालू करूंगा। चारों क्वेश्चन आपको मुझे सबमिट करके देना है होमवर्क के साथ ही, सबसे पहले ये चारों होमवर्क होनी चाहिए आपके। क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा अगर डाउट रहेंगे तो। पहला इंटीग्रेशन ये हो गया, दूसरा इंटीग्रेशन हो गया ये, थर्ड इज इंटीग्रल ऑफ टैन क्यूब एक्स, है ना। जी एन बर्मन में हो चुका है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एक और, ये कल के कंसेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जो अपने कल पढ़ा था ना उसके हिसाब से। ये लिखा है साइन की पावर में सिक्स एक्स, साइन की पावर में सिक्स एक्स अपॉन कॉस की पावर में एट एक्स, ठीक है। फाइव क्वेश्चंस ये आपको करने हैं, और इसके अलावा जो भी ये लिख लो पहले ना, लिखो आराम से। अगला टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्वाइट डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं आपको, तो एकदम सतर्क रहिए। स्टार्टिंग में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक समय ऐसा आ जाएगा आपकी जिंदगी में जब मैं आपको बहुत फास्ट बताने लगूंगा, है ना। तो स्टार्टिंग में अपन धीरे करेंगे, ये चारों जो है वो सिमिलर टाइप के हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट वाला, लिख लिया होगा आप लोगों ने ना। स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, वैसे अलाउड तो नहीं होगा, नहीं है ना, अच्छी बात है।
लिखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सेकंड तरीका है इंटीग्रेशन निकालने का। इंटीग्रेशन सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका क्या था सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत डिटेल में देख लिया अपन ने, सब कुछ सॉल्व कर लिया उसमें। सेकंड क्या है अपने पास? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सर थर्ड क्या रहेगा फिर? थर्ड रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ये भी आसान है ना, फर्स्ट वाला तो ईजी था, सेकेंड वाला, थर्ड वाला भी ईजी है, सेकेंड वाला थोड़ा मुश्किल है पार्शियल फ्रैक्शन। और फोर्थ होता है मिसेलिनियस, जिसको अपन केपी मेथड बोलेंगे ना, कुटर पुटर। कुटर पुटर में हम लोग सच में कुटर पुटर ही करेंगे। तो अभी अपन ने एक कर लिया है, अब अपन दूसरा करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं बता चुका हूँ आपको कि ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। बाय पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि हमेशा अपने पास दो फंक्शन रहेंगे, एक फंक्शन एफ और एक फंक्शन जी, और उनका इंटीग्रेशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट। और अगर आपने दो फंक्शंस देखे तो दो फंक्शन आ गए अपने दिमाग में, जैसे दो फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता था? डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस होता था यूवी डैश प्लस वी यू डैश। सिंपल, बहुत एकदम प्लेन एंड सिंपल होता था। इंटीग्रेशन इतना प्लेन एंड सिंपल नहीं होता है। इंटीग्रेशन का जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है वो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला मैं लिखूंगा अभी, वो मैं लिखूंगा है ना। वो तो मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन वो लिखने से पहले आपके लिए कुछ थ्योरी लिख देता हूं मैं, जिसको अपन रूल्स कहेंगे है ना। देखो बहुत इजी है, मैं अभी जो बोलूंगा उसको आपको सुनना है बस 20-30 सेकंड। दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, लेट अस से इसको, और इसको सेकंड। हर बार आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, किसी एक फंक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी, किसी दूसरे फंक्शन को सेकंड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कैसे देंगे सर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। प्रायोरिटी देने के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको अभी भी लिखवाने वाला हूं, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आ गया है, तो अपन कैसे लिखेंगे? तो पहले मैं रूल लिखवा देता हूं आपको कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको चूज करते हैं और सेकंड किसको करते हैं। तो लिखिए चूज सेकंड फंक्शन, चूज सेकंड फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल, ठीक है। दो फंक्शन रहेंगे, अब दोनों फंक्शन में से किसी एक का इंटीग्रेशन आसान रहेगा, किसी एक का मुश्किल रहेगा। तो आपको क्या करना है, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको सेकंड फंक्शन मान लेना है, और एक और चीज लिख सकते हैं अपन, चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन सच दैट After by parts, complexity of second term reduces. As compared to original integration, कुछ समझ नहीं आएगा ना, लिख लो पहले, इन सबको और इजी बना दूंगा मैं। थर्ड है नोट, समटाइम्स वन मॉर्निंग नंबर है इज टेकन As a function. अब ये तो हो गई खैर अंग्रेजी वाली बातें, है ना? हिंदी में हम लोग समझते हैं इस चीज को, अगर आपने लिख लिया हो तो पहले लिख लो आप लोग।
हाँ जी, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्रायोरिटी कैसे देंगे। उसका एक सिंपल तरीका होता है जिसको अपन कहते हैं आईलेट रूल, है ना। या तो आप ये तीनों पॉइंट्स को इंग्लिश में अच्छे से समझ लो, दो पॉइंट्स को स्टार्टिंग के दो, या तो मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ वो देख लो, और मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो देखना ध्यान से, क्योंकि मैं भी ऐसे नहीं सोचता था जनरली, है ना। जनरली मैं ऐसे सोचता हूँ कि आईलेट रूल को अपन सीख ले। आईलेट रूल क्या होता है, लिखिए ILATE, इसको अपन कहते हैं आईलेट रूल। कुछ बुक में आपको लियाट रूल दिखेगा, ILIATE, है ना, तो आप उसको मत फॉलो करना, है ना। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में लियाट आईलेट दोनों में देखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको आईलेट जो है वो मोस्ट एक्यूरेट आंसर देंगे, ठीक है। हो सकता है आपको स्टेट बोर्ड की बुक में लियाट दिया हो, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट बता रही थी कि लियाट दे रखा है, पता नहीं। अब ये सर क्या है पहले समझा तो, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो दो फंक्शन है, दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, और सर ने क्या बोला कि एक को फर्स्ट बोलना है एक को सेकंड बोलना है, तो फर्स्ट और सेकंड बोलने की प्रायोरिटी जो होगी वो ऐसे डिसाइड होगी। कैसे ऐसे डिसाइड होगी, मतलब आई से क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए हो गया, गेस करो क्या हो जाएगा बताओ, एलजेब्रिक। टी, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब यह हो गया कि आपको देखना है कि सबसे पहले अगर दो फंक्शन है अपने पास, मान लो एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। अब यहां पे आप नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, सब्स्टिट्यूशन जैसे अभी अपन ने सीखा है कि किसी को रख के कुछ कर दिया और हो गया आंसर, वो नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आईलेट रूल लगाना पड़ेगा या बायपार्ट्स लगाना पड़ेगा। बायपार्ट्स में देखो, ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल जैसा है ना, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल ही है, एल्जेब्रिक हो गया, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आईलेट में कौन पहले आता है, ए पहले आता है, फिर टी बाद में आता है, तो अपन ए वाले फंक्शन को फर्स्ट बोल देंगे और टी वाले को सेकंड बोल देंगे। समझ में आ रहा है, ऐसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। और फिर प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला आएगा, कोई भी रोएगा नहीं, ठीक है, रोना मना है। तो जो फॉर्मूला आएगा वो लिख रहा हूं मैं, वो आता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे आइटम का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। मैंने पहले बोला था रोना नहीं है आपको, लिखो। असलियत में थोड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ना। तो फर्स्ट फंक्शन क्या माना मैंने, मान लो f को माना है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड g हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगाएंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है जी एक्स, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। और फिर ये जो भी आइटम आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन लेना है आपको, पूरे का इंटीग्रेशन लिख डालो उसको।
लिख लिया ना। एक छोटा सा नोट लिखेंगे अपन। पास लिख देता हूं। लिखो अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक, अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर टू बी इंटीग्रेटेड यूजिंग बाय पार्ट्स। ये अभी इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बोल देता हूं कि मान लो आपको कल को ऐसा मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स, तो क्या है अलोन लॉगरिथमिक या अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? ऐसे आ गए तो आप उसको बाय पार्ट से ही करोगे। अब वो अपन बाद में देखेंगे, अभी अपने को समझ में आएगा भी नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। सर क्वेश्चन बताओ, उससे फील आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज x इंटू ई की पावर x, ठीक है। पहले तो आपको पकड़ना कैसे है कि ये बायपार्ट का क्वेश्चन है, पहले आप उसको सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करो। कैन यू सब्स्टिट्यूट समथिंग? क्या आप मतलब कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या? e की पावर x को अगर आप t मानते हो तो e की पावर x dx ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा, तो शायद हो जाएगा क्या? ये पूरा dt मान लिया मैंने, तो ये यहां से पता चलेगा कि x इज इक्वल टू ln t है ना, तो ln t dt। अब ये भी तो बायपार्ट से ही होता है, तो नहीं हो पाएगा सब्स्टिट्यूशन। मैं मतलब ऐसे झूठ मूठ का करके देख रहा था, नहीं हो पाएगा। ln आ जाएगा ना, ln का इंटीग्रेशन भी अपने को नहीं आता है, अभी सिखा चुका हूं मैं। लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन भी बायपार्ट से होता है, तो आपको कुल मिला के बायपार्ट लगाना ही पड़ेगा। तो बायपार्ट देखे कैसे लगाएंगे अपन। सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए, कोई भी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट फंक्शन देना है और सेकेंड फंक्शन देना है, किसको दो फर्स्ट फंक्शन बताइए? आई लेट, ऐसी सोचो हमेशा। तो ये एल्जेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है, तो इसको हमेशा अपन लास्ट प्रायोरिटी ही देंगे, मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर है? तो फर्स्ट और सेकंड अपन ने दे दिया। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा उसको मैं आई मान लेता हूं, है ना। तो आई का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा। सबकी नजर आगे, आपको फॉर्मूला एकदम रटा होना चाहिए। देखो कैसे रटा होना चाहिए, ऐसे मत रटो कभी भी, और ना ही आप यूवी वाले फॉर्मूले से रटो जो आपको बुक में दिया जाएगा। आप हमेशा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे रटो, ध्यान से देखना एकदम, है ना। मैं एक सुर में बोलूंगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। एकदम ऐसे रटा होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। क्लियर? देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहला क्या है x, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा निकाल लेंगे अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। और इस पूरी चीज का दोबारा से इंटीग्रेशन, इतना ही मुश्किल नहीं है ना। e की पावर x का इंटीग्रल अपने को पता है, e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन को रहें तो ये dx by dx बन हो जाएगा, और e की पावर x का फिर से e की पावर x dx। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x, खत्म। ये आंसर है आपका, कांस्टेंट कौन लगाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा x इंटू सॉरी e की पावर x इंटू x माइनस वन प्लस c, लिख डालो उसको।
ठीक है, x को 1 मानेंगे अपने ना। आपको अगर टाइप करना हो तो आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही बस टाइप करो, सेकंड फंक्शन बाय डिफॉल्ट समझ जाऊंगा ना मैं। लिख लिया आपने, फास्ट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे इस बार मैंने आपको लिखने के लिए मना कर दिया था, इस कारण टाइम दे देता हूं। लिखो, अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है x इंटू ln ऑफ x। I late में अगर देखोगे I late तो ये क्या है, algebraic, और दूसरा क्या है logarithmic। logarithmic पहले आ रहा है ना तो उसको अपन फर्स्ट बोल देंगे और algebraic को अपन सेकंड बोलेंगे। समझ आ रहा है ना, देख लो इधर logarithmic पहले आ रहा है I late में, तो इस हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। अब इसके इंटीग्रेशन को आप I बोल दो, आई क्या हो जाएगा, देखो ये बस देख लो एक लाइन, फिर इसके बाद लिखना चालू कर देना। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स। अगली बार से डायरेक्ट लिखेंगे अपन, है ना, वन बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर बड़ा वाला इंटीग्रेशन भी तो करना है। बस अब आप लिख सकते हो एल एन एक्स इंटू x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ ln x का इंटीग्रेशन 1 बाय x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और इन दोनों का ये आगे प्रोडक्ट और इसका इंटीग्रेशन dx। ln x इंटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस, तो ये x और x कट जाएगा, बाय 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, x, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेंगे अपन, ln x माइनस हाफ, ये आंसर है। कांस्टेंट लगा दो चुपके से, बस अब अपन रेडी है, अपने को अब सब आता है। इंटीग्रल ऑफ x इंटू sec स्क्वायर x, आई लेट लगाएंगे ए टी, ए पहले आ रहा है टी बाद में आ रहा है ना, आई लेट में बार बार लिखना जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एल्जेब्रिक के बाद में आ रहा है तो इसको अपन सेकंड बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट बोलेंगे। ऊपर वाला लिख लो वैसे, लिखूं मैं आगे। अब आपको मेरे साथ पैरेलली लिखना है, एकदम पैरेलली देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स होता है, याद होना चाहिए, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन, बस खत्म। एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन, अरे टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन माइनस टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन ऑफ sec x प्लस सी लगा दो। ये अगला वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अपन मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। यहां पे लिखा है इंटीग्रल ऑफ ln x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। मैंने आपको कैसे कहा था अलोन
लॉगरिथमिक फंक्शन अलोन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर टू बी डन बाय बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स के लिए देखो इधर, अब आपको लिखना छोड़ देना है ना। बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास दो फंक्शन होने चाहिए। यहां पे कितने फंक्शन है? एक ही फंक्शन है, यहां पर एक ही फंक्शन है। आप इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? कुछ है नहीं अपने पास ऐसा सब्स्टिट्यूट करने लायक। तो क्या करें सर? आप एक काम करो ना, इसको बाय पार्ट से करो और दूसरा फंक्शन जो है उसको आप वन अज्यूम करो। हमेशा ऐसे करना है, हर नंबर में या हर फंक्शन में या हर चीज में वन तो मल्टीप्लाइड होते ही। तो अपन ने इस वन को ऐसे लिख दिया। फुल लिखने से फायदा क्या होगा कि ये जो वन है इसको आप एलजेब्रिक फंक्शन बोल दो, और इसको आप, ये तो लॉगरिथमिक है और वन क्या हो गया? एलजेब्रिक फंक्शन है ना। वन एलजेब्रिक ही तो होता है, आई एल ए टी ई। तो कौन पहले आ रहा है? एल, लॉग पहले आ रहा है, तो इसको अपन वन मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और दूसरा वाला अपने आप सेकंड हो गया है ना। एलजेब्रिक और इसमें देख रहे थे अपन, वन को हमेशा एलजेब्रिक फंक्शन की तरह ट्रीट कर लो आप, ठीक है। या मैं आपको एक और चीज बताऊंगा अभी, जो बताने का भी सही वक्त है, कि आप ये फॉर्मूले में देखोगे ना बेटा, देखो इधर क्या लिखा है पिंक वाले में, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहां पे क्या लिखा है? चूज सेकंड फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल। ऑब्वियसली आपको ऐसा फंक्शन सेकंड चूज करना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान हो, है ना। तो सेकंड फंक्शन अपन किसको चूज करेंगे? जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान हो। तो वन और एल एन एक्स में से किसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है? वन का, है ना। तो आप वैसे भी सोच सकते हो, या तो आईलेट से सोचो या तो वैसे सोचो। आईलेट कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे, है ना। वैसे में हो सकता है कि कुछ आगे पीछे गलती हो जाए अगर आपने थोड़ा सा भी गलत सोच लिया तो। अब देखो फर्स्ट, अब आप लिखना चालू कर सकते हो मेरे साथ साथ। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? चलो मैं अभी लिख देता हूं ना, बाकी आप ध्यान रखना। वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, एल एन एक्स माइनस एक्स, नॉट माइनस, ये एल एन एक्स इंटू एक्स आएगा। तो एल एन एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स इंटू, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स होता है, ठीक है। ये एक्स और एक्स कट गया, अंदर क्या बचा? फिर से वन बचा, और उस वन का इंटीग्रेशन फिर से एक्स हो जाएगा। तो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स। इसको आप, ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? इसको आप याद रख लो, इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां भी लिख देता हूं, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स एल एन एक्स माइनस सी याद रहेगा सबको, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, सी तो मत याद रखो, सी तो क्या है, कोई भी याद रख लेगा। अच्छा यहां पे मैंने क्या लिखा था? अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा था ना, यहां पे लिखना है अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अकेला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन भी अपन बाय पार्ट से करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने, लिखो लिखो लिखो, क्या लिखा? अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसको भी बाय पार्ट से ही करना है, क्योंकि और कोई तरीका यहां पे मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, है ना, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो कैसे करेंगे अपन इसको बाय पार्ट से? दूसरा फंक्शन तो गिवन नहीं है सर, एक ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन अपन वन मानेंगे। क्या मानेंगे? वन को मानेंगे, वन को अपन दूसरा फंक्शन मानेंगे। और आईलेट लिख दो आप, है ना, आईलेट में साफ साफ बोल रहा है कि फर्स्ट फंक्शन शुड बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और फिर रेस्ट अदर सेकेंड होने चाहिए,
तो आप हमेशा आईलेट को फॉलो करोगे तो कभी भी 1% एरर नहीं होगा, आईलेट कभी धोखा नहीं देता है। ठीक है, कर दूं चालू मैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन। ठीक है, और उसका भी इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहां पर इंटीग्रेशन आप कर लोगे ना, आप ये वाला आप खुद से कर लेना, बहुत इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, कर लोगे ना, सब्स्टिट्यूशन सिंपल, इसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, करके बता ही देता हूं मैं। टी स्क्वायर तो माइनस टू एक्स डीएक्स बराबर टू टी डी टी, तो एक्स डीएक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस टी डी टी। तो इसको तो आप एज इट इज रहने दो, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स डीएक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टी डी टी, क्योंकि ये टू टू कट जाएगा और वो माइनस उधर भेज देना, माइनस टी डी टी, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा टी डी टी अपॉन, इसको अपन ने टी स्क्वायर माना है, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, टी खुद हो जाएगा, टी और टी कट गया, तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी इट सेल्फ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस टी प्लस, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख सकते हो, टी क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। किसी को ऐसा कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कि बाय पार्ट्स कैसे कर रहे हैं, तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट सेकंड हर बार चूज करके दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान है, इसको सेकंड मानना है, इसको फर्स्ट मानना है ना, या तो आईलेट से चूज कर लो, आईलेट से देखोगे आप तो लॉगरिथमिक जो है वो पहले आ जा रहा है, उसको फर्स्ट मान लिया अपन ने। एलजेब्रिक बाद में आ रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब बहुत हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब x क्यूब बाय 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। आया क्या समझ में, तो आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू ln x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाय 3 को अपन बाहर कर देंगे, x और x स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय 3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आई का वैल्यू आई मानते हैं अपन इसको, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। पहली बात तो चमकना चाहिए कि बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाएगा, सब्स्टिट्यूशन से ये हो ही नहीं पाएगा, और थर्ड मेथड आपको अभी सिखाया नहीं मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन तो 2 किलोमीटर दूर से दिख जाता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है ना, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये है बायपार्ट का। और एक हिंट बताऊं, बायपार्ट्स का क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, ये क्वेश्चन बायपार्ट से होगा, आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शन दिखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये एलजेब्रिक, दोनों अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, तो आप एक बार सब्स्टिट्यूशन देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली बायपार्ट है। तो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन में से अपन किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड बोलेंगे, इस पूरे को एक साथ लिख दिया मैंने ना, मेरे ख्याल से फर्स्ट फंक्शन आई एल ए फिर टी आता है, तो एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। ठीक है, नाउ लेट अस राइट फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर इन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन। तो एक्स इंटू साइन एक्स को आप क्या रखोगे, टी रखोगे, साइन एक्स को रखोगे आप टी, तो कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स डी टी और ये टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा माइनस वन इंटू सेम इंटीग्रेशन यहां पे भी लगेगा ना, वही वाला तो इंटीग्रेशन है, जो बाहर इंटीग्रेशन आता है वही अंदर आता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी है ना इंटू डी एक्स, एक्स इंटू टी क्यूब बाय थ्री आ जाएगा। देख गया ना टी क्यूब बाय थ्री, और टी क्यूब क्या है साइन एक्स, तो साइन क्यूब एक्स बाय थ्री इंटू वन इंटू, यहां पे देखेंगे अपन क्या लिखा है टी स्क्वायर, फिर से टी क्यूब बाय थ्री मतलब साइन क्यूब एक्स बाय थ्री डी एक्स। ठीक है, ये वाला साइन क्यूब का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आप कर लेना, मैं आपको हमेशा हिंट देता हूं जरूर, साइन थ्री एक्स क्या होता है थ्री साइन एक्स। थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो यहां से आप साइन क्यूब को क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हो आप, इसको इधर किया तो थ्री साइन एक्स तो इधर ही है, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, थ्री साइन एक्स माइनस साइन ऑफ ट्रिपल एंगल ऑफ एक्स, ये फोर साइन क्यूब एक्स का वैल्यू है। ठीक है, इसके आगे आप लोग पक्का कर लोगे, बहुत इजी है ये, मैं आपको करा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, साइन क्यूब कराया था मैंने आपको, जगह छोड़ देना थोड़ी सी आप, ऑब्वियस इंटीग्रेशन है वरना मैं कर देता आगे तक, टैन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अभी देख के कितना सही लग रहा है, देखो ना टैन और उसका डेरिवेटिव साथ में, मतलब क्या मजा आ जाएगा इंटीग्रेट करने में, है ना, तो आप इसी को सेकंड मानो भाई, जब इतना मजा आ रहा तो उसको सेकंड मान लो, या आईलेट से कर लो, आईलेट से देखोगे तो थीटा को आप एल्जेब्रिक देखना, अरे एक्स की जगह थीटा आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, थीटा एल्जेब्रिक है, आई एल ए ए के बाद टी, तो ए को फर्स्ट और टी को सेकंड, आईलेट से भी सेम आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आ जाएगा वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू डी थीटा, लिखना छोड़ दो, देखो मैं आपको फास्ट करना सिखाता हूं, फंक्शन उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसका डेरिवेटिव दे रखा है ना आपको, तो किसको टी मानेंगे अपन, टैन को टी मानेंगे, मैं अब पूरा नहीं लिख रहा हूं, अब मैं मन में करूंगा, इसको टी माना आपने तो ये पूरा डी टी हो जाएगा, सोचो ना sec square theta d theta will be equal to dt, ये पूरा कैलकुलेशन आपका मेंटली चलना चाहिए, tan theta को आप t मानोगे तो sec square theta d theta will be equal to dt, है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास t dt, दिख रहा है आपको, और t dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t square by 2, t square by 2, है ना, तो लिख दो t square by 2, t तो मेरे को पता था tan theta है, ऐसे अपन फास्ट करेंगे अब से, कि अपन ने सब्स्टिट्यूशन को भी मेंटल करना सीख लिया, वन इंटू ये भी कितना आ जाएगा, सेम सेम आएगा ना, जो बाहर आया वही अंदर आएगा, तो एक बार बाहर मेहनत कर लो बस, अब ये इंटीग्रेशन अपने को आता है, तो थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू माइनस हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, कैसे निकालते हैं अपन, टेन स्क्वायर को लिख दो सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना,
बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा, थीटा टैन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस माइनस प्लस वन, वन का इंटीग्रल एक्स आता है, यहाँ पे थीटा आएगा तो ये आ जाएगा आंसर। कांस्टेंट तो लगा नहीं है, लिखो 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 लिखो, ठीक है ना। तो आपका फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा ये आई, हर इंटीग्रल को आप आई मान लेना, है ना। आगे तो इसका आई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएगा। परसों अपन थर्ड वाला पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे, है ना। अपना ही खत्म हो जाना चाहिए बहुत जल्दी, फिर अपन पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। वेरी इजी टॉपिक, अत्यंत सरल। फिर उसके बाद कुटुर पुटुर, कुटुर पुटुर करने के बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इनडेफिनेट खत्म हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, और इनडेफिनेट ही सब कुछ होता है। टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा और, बट भी अपने पास बचा है काफी काफी क्वेश्चंस करने अपने को एक दिन में। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, e की पावर x इंटू साइन x dx, करो उसको ट्राई। मैं आपको 60 सेकंड्स दे रहा हूं, 60 सेकंड खुद से ट्राई करना है आपको, है ना। फंस गए ना एक जगह, एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है तो इसको अपन हमेशा सेकंड प्रायोरिटी देंगे। आईलेट में हमेशा आखिरी में आता है ना, तो कोई सोचने की बात ही नहीं, ये फर्स्ट हो गया। देखिए आपको क्या बोलना है, इसको आई बोल देना है इंटीग्रेशन को। तो आई इज इक्वल टू, आगे देखिएगा ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, जो कि ई की पावर एक्स आएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स। तो वो ई की पावर एक्स ही आएगा। अच्छा, सर आपको एक चीज नजर आ रही है, देखो ये वाला जो आइटम है ना, इस पर फिर से बाय पार्ट लगेगा, क्योंकि ये e की पावर x और cos x दो अलग अलग प्रवृत्ति के फंक्शंस आ गए, है ना, अलग अलग टाइप के फंक्शन आ गए, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक, और इनका कोई डायरेक्ट आंसर तो अपने को पता नहीं है, और कोई सब्सटीट्यूशन से तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, तो फिर से एक बार और अपने को बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं इस वाले इंटीग्रेशन को, ये जिसको मैंने सर्कल आउट किया है, इसको मैं आई वन बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, आई वन, इंटीग्रेशन वन। तो यहां से क्या दिखेगा आपको, आई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस आई वन। अब मैं आई वन को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आई वन को अपन अलग से कैलकुलेट करेंगे, अगर आपके पास जगह है तो नीचे लिखो या साइड में लिखो, जहां मन करे वहां लिखो। तो मैंने क्या करा, आई वन को इधर कैलकुलेट कर लिया। आई वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स।
तो फिर से अपन क्या करेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, अब इसको फर्स्ट, फिर से एक बार और बाय पार्ट लगाना, मतलब बाय पार्ट्स के अंदर बाय पार्ट्स, समझ रहे हो? तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, स्लाइटली, ज्यादा नहीं। हालांकि आप अगर देखोगे तो ये एनसीईआरटी में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन तो गिवन है ही एनसीईआरटी में। तो आई वन का वैल्यू देखिए, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे फिर से लगाएंगे अपन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लगाएंगे अपन, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स, वो माइनस माइनस ऐसे ही प्लस कर देते हैं इनटू, अरे यार समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है फिर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर एक्स खुद। ओ ये तो सर ओरिजिनल क्वेश्चन जैसा दिखने लगा, e की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, e की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन, मतलब आई बन गया फिर से, ये तो फिर से आई आ गया। तो आई वन का वैल्यू क्या आ गया, कॉज एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस आई, ठीक है। तो आई वन को उठा के यहां पे डाल देंगे अपन, आई वन को उठा के यहां पे डाल देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस आई वन, आई वन की जगह क्या डाल देंगे अपन, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस आई। अपने को निकालना क्या था, अपने को तो क्वेश्चन का आंसर निकालना था जो कि आई है ना, आई का आंसर निकालना था। अब ये माइनस आई को उस तरफ फेंक दोगे तो प्लस आई बन जाएगा, और आई प्लस आई कितना, टू आई, तो e की पावर एक्स इंटू, अरे यार ये क्या किस तरीके से लिख दिया मैंने, साइन एक्स कॉमन ले लिया मैंने, बीच में माइनस था, माइनस कॉस एक्स, ये आ गया आपका टू आई का वैल्यू, टू आई का वैल्यू आ गया ये। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू e की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कांस्टेंट कौन लगाएगा, मैं ही लगाऊंगा, ठीक है। लिख डालो इसको। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको दो बार बाय पार्ट लगाना पड़ता है, अभी तो वो क्वेश्चंस भी है जिसमें तीन बार बाय पार्ट लग जाएगा, ठीक है। तो डरने का नहीं है अपने को, लिख लिया। ऐसे थोड़ा सुंदर बनाने के लिए इससे एक मीम बन सकता है, मीम मीम समझते हो ना आप लोग, आप तो सब जानते हैं, तो वो मीम डालूंगा आज मैं, देखना आप लोग। गलत शेप उठा लिया, ये क्या बकवास है।
एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, e की पावर x इनटू cos x, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है? इसको आप होमवर्क में इंक्लूड करें, एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड दोनों बुक में। cos square x into ln sec x, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहली बात तो दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिख गए, फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, दोनों अलग टाइप के हुए। सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन दोनों अलग टाइप के हो गए, तो एक लॉगरिथमिक है, तो I लेट के हिसाब से ये फर्स्ट आना चाहिए और ये वाला सेकंड आना चाहिए, है ना? तो लेट अस स्टार्ट। देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे तो मुझे डायरेक्टली यहां पे लिख देना था कि ये माइनस कॉट आएगा इसका इंटीग्रेशन, बट मैंने एक स्टेप खा लिया, कोई बात नहीं। बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ln sec x का डेरिवेटिव, चलो आज मैं तमीज से लिख देता हूं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, ये आई का वैल्यू आ गया, अब रिपीट नहीं होगा वैसे यहां पे कुछ, ln sec x into cosec square का इंटीग्रेशन माइनस cot, तो cot x with a negative sign माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln sec x, ln sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 by sec x, फिर sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा sec x into tan x, cosec square का डेरिवेटिव माइनस cot, माइनस cot को क्या लिख देंगे माइनस cos by sin x, sec x कट गया, oh my god, काश मैंने इसको माइनस कॉट ही रहने दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, कॉट एक्स टेन एक्स भी कट जाएंगे, सब कुछ कट गया, कौन बचा माइनस वन, तो माइनस कॉट एक्स इंटू एल एन सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन या इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, एक्स आ जाएगा सिंपली, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन पक्का, तो आज अपना बाय पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, आपका होमवर्क जो है वो मैं लिख रहा हूँ। जिन बच्चों को मैंने आज स्पेसिफिकली नाम लिया है, कल मैं उन्हीं का होमवर्क चेक करूंगा। मैंने आपको 1829 तक दिया था ना, तो आप करो 1830 से लेकर, पता नहीं वो दो क्यों छूट गए थे अपने, बट अब आप कर लोगे। तक ठीक है, सही है, बढ़िया, इतना आप करो। जीन बर्मन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर कौन बताएगा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत 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 प्यारी चीज बता रहा हूं मैं आपको, एकदम आप इसको है ना लिख के भी रख लो, कि जब भी आपको
इंटीग्रेशन में है ना, इन इंटीग्रेशन ऐसा लिख लेना। अगर आपको ITF दिख जाए तो उसको आप है ना एंगल मान लो, पुट इट थीटा, मन को शांति मिलेगी। बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन होते क्या है, एंगल ही तो होते हैं, तो ये साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो है ना, देखना आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या करा, थीटा मान लिया, तो एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया साइन थीटा, तो डीएक्स कितना हो गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा है ना। अब ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, ऊपर थीटा आ गया, और नीचे क्या लिखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है बच्चों साइन थीटा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर में क्या लिखा है 3/2, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा, तो थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा सिंपली डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई कट जाएंगे ना, तो कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस और कॉस स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा क्या थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस अभी ये कर दो आप बाय पार्ट से, इसको आप मान लो सेकंड, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आता है ना मेरे को, इसको फर्स्ट आता तो इसका भी है, आईलेट लगा लो कोई दिक्कत नहीं, तो यहां से आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट लिख दिया टैन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा टैन थीटा डी थीटा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका थीटा इंटू टैन थीटा माइनस एलेन ऑफ सेक थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4, 6, 7 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए, सारे क्वेश्चंस आप सूत समेत मेरे को वापस लौटाओगे। कॉस इनवर्स ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन अलोन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसमें आप क्या करना है, एक को वन मानना, या फिर मन की शांति के लिए आप इसको क्या थीटा बोल देना, थीटा बोल दो चलो है ना। चलिए कल मिलते हैं अपन, बाय एवरीवन। आपका होमवर्क मैं आपको दे चुका हूँ, होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए, कल का होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट लेकिन कल वाला अच्छा खासा होमवर्क है, ये पूरा बाय पार्ट्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, क्लास खत्म होते ही चालू कर देना ये सॉल्व करना। चलो देन मिलते हैं अपन कल, बाय एवरीवन, टाटा, थैंक यू।